हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, डीप गले के लिए शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच रखेंगे। इसके बाद हम चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट का 1/4 लेने के बाद हम 1.5 इंच या फिर 1 इंच मार्क करके इसे बैक साइड का निशान बना लेंगे। पहले मैं अस्तर कटिंग कर रही हूँ, इसके बाद मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। अस्तर को 2 फोल्ड करने के बाद बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है, क्योंकि इस ब्लाउज को हम फ्रंट ओपन रखेंगे। आर्म होल को राउंड करने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज का बैक का गला हम वी शेप में रखेंगे और फ्रंट गला भी हम वी शेप में रखेंगे। इसका बाजू हम डबल लेयर अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से बचे हुए कपड़े पर रखेंगे और नीचे से हम इस तरह से बराबर कर लेंगे और फ्रंट तरफ भी इस तरह से बराबर कर लेंगे। आर्म होल के साइड भी मैंने बराबर ही रखा है। यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और नीचे से हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे और इस तरह से हम इसे तिरछा मार्क कर लेंगे। इस ब्लाउज को मैं प्रिंसेस कट का शेप दूंगी। गला के लिए मैंने 2.5 इंच का मार्क किया। बैक पार्ट हम हटा लेंगे। इसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। गले का मार्क मैंने 2.5 इंच पर किया और गले का डीप हम 7 इंच पर करेंगे। ये देखिए, मैंने 7 इंच पर निशान लगाया। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसे हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। भी नेक ज़्यादा डीप नहीं दिखता है तो इसे हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, यानी 7-8 इंच। इस तरफ से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया और ऊपर से हम 10 इंच पर निशान करेंगे और इसे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। पहले हम आर्म होल कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच का। इसके बाद हम आर्म होल के बीच से निशान लगाएंगे इस तरह से और इसे हम गोलाई शेप देते हुए मिला लेंगे। यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी और इस तरह से हम निशान लगाएंगे राउंड शेप देते हुए। इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसे मिला के देखते हैं। ये देखिए, मिला के आप देखेंगे ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हम बैक का गला बनाएंगे। बैक का गला का डिप मैं रखूँगी 10 इंच और इसे हम इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। इसे भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। ये मैंने 1/2 मीटर का कपड़ा लिया है, ये नेट का कपड़ा है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इस पर हम बिछा के कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है। नेट और अस्तर के बीच एक अलग सा कपड़ा हम डालेंगे जो थोड़ा साइन करता हो। ये कॉटन का अस्तर मैंने लिया था तो ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके अंदर हम एक और कपड़ा डालेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक ब्लाउज पीस था जो थोड़ा साइन कर रहा है पर कपड़ा थोड़ा ख़राब है, तो इसे ही मैं अंदर डाल देती हूँ तो ये ब्लाउज पीस यूज भी हो जाएगा। अस्तर पर हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच का गहराई देंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया और यहाँ नीचे से मैंने 1.5 इंच लिया। इसके बाद हम इसे इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस साइनिंग फैब्रिक पर हम फ्रंट का पीस भी निकाल लेंगे। इस वीडियो पर मैं सिर्फ कटिंग बताऊंगी, इसका नेक्स्ट वीडियो पर मैं सिलाई बताऊंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रंट के गले पर भी मैंने 1.5 इंच का मार्क किया और ये देखिए, नीचे की तरफ हम नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे पीस हम कटिंग कर लेंगे साइनिंग फैब्रिक पर। इस पीस को भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद
तीनों फैब्रिक मिलाकर हम सिलाई कर लेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर का प्लेन नेट। ये 2 फोल्ड में है, इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह बिछाकर हम इसे 8 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ से मैं इसे 9 इंच का मार्क करूंगी। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जहाँ पर मार्क किया है मैंने वहीं पर और एक बार मार्क कर लूँगी मिलाकर, और इस तरह भी मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। इस तरह से गोलाई देकर इसे हम कटिंग कर लेंगे। यह हमारा सर्कल कटिंग हो गया है। बाजू का एक लेयर कटिंग करने के बाद हम दूसरा लेयर कटिंग करेंगे। ये देखिए ये 2 फोल्ड में है, इसे मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद हम इसे और एक बार फोल्ड करके 8 फोल्ड बना लेंगे। और जो लेयर हमने कटिंग कर लिया है उसे हम इसके ऊपर रख के बराबर में मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसे हम हटा लेंगे और 1.5 इंच अंदर मार्क करेंगे। इस तरफ भी 1.5 इंच के अंदर मार्क करेंगे और इसे हम राउंड बना लेंगे 1.5 इंच का। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर कटिंग करने के बाद हम बाजू का आर्म होल कटिंग करेंगे। बाजू का लंबाई मैं 8.5 इंच रखूँगी तो 9.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हम ब्लाउज का आर्म होल मिलाकर हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ब्लाउज का आर्म होल को मैंने 2 फोल्ड कर लिया और इस तरह से इसे हम रखेंगे। ये जितना भी आ रहा है उसे हम 2 फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इस तरह से पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं और एक बार मिला कर देखेंगे। ब्लाउज का आर्म होल से ये स्लीव का आर्म होल थोड़ा छोटा रखेंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे।